आज देश भर में तीसरे जन औषधि दिवस का आयोजन किया गया। इस जन औषधि दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा लोगों से जुड़े और उन्होंने संवाद किया। इस योजना में मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। इस योजना के अलावा और भी प्रकार की जानकारी देने के साथ साथ लोगों के बीच हो रही परेशानियों को बखूबी सुना। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के यमुना विहार और द्वारका में किया गया। आज इस काम में जन औषधि दिवस पर द्वारका सेक्टर 6 में भी प्रधानमंत्री मोदी से सीधा लाइव संवाद के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में स्टेट फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रामेश्वर तेली, स्थानीय बीजेपी नेता, रेजिडेंट वेलफेयर के सीनियर सदस्य के साथ संचालक जन औषधि के रॉबिन शर्मा भी मौजूद रहे। बताते चले कि आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। बीते साल दूसरे जन औषधि दिवस पर 5,695 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर हुए आयोजन में भारत के 15 लाख से ज्यादा नागरिकों ने सक्रिय रूप से भागीदारी की थी। बताते चले कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना औषध विभाग भारत सरकार की तरफ से की गई एक विशेष पहल है, जो किफायती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास में जनता को व्यापक रूप से प्रभावित कर रही है। इसके स्टोर्स की संख्या बढ़कर 7,400 से ज्यादा हो गई है और देश के सभी 734 जिले इसके दायरे में आ चुके हैं। जी हाँ, आज 8th प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस है और पूरा भारत में आज जन औषधि दिवस पालन किया जा रहा है और आज ही 3-4 नए सेंटर भी खोला गया है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वो सेंटर का उद्घाटन किया और मैं भी आज इस प्रोग्राम में उपस्थित था और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब तक हम लोग पूरा नॉर्थ इंडिया में 7,500 हम लोग अब सेंटर खोले हुए हैं और इस जन औषधि केंद्र के द्वारा हमारे जो गरीब लोग हैं उनको फ़ायदा हो रही है, क्योंकि यहाँ करीब 80-90% कम रेट में दवाई मिलती है। भारतीय जन औषधि परियोजना भारत सरकार की बहुत ही दूरगामी और जनहित की परियोजना है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये योजना को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है। आज विशेष दिन इसलिए है कि ये तीसरा जन औषधि दिवस था और इस अवसर पे शिलोंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7,500 जो हमारा ये था जन औषधि केंद्र, उसका उद्घाटन किया है। तो ये बहुत ही खुशी का दिन है हम सभी के लिए कि हमारा जन औषधि परिवार जो है वो उसका विस्तार हो रहा है और जन औषधि के दवाइयों से करोड़ों लोग रोज लाभान्वित हो रहे हैं। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आइडियल यूथ फॉर रेवोल्यूशनरी चैलेंज संस्था ने युवाओं के साथ मिलकर महिलाओं की सुरक्षा और हक के लिए एक रैली आयोजित की, जिसमें 500 से ज्यादा महिलाओं और युवाओं ने सहयोग दिया। रैली में नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। वहीं युवाओं का उत्साह देखकर बहुत से लोग अपने घर से निकलकर रैली में शामिल हुए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शालू अधिकारी है, मैं IYR संस्था से जुड़ी हुई हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमने एक रैली निकाली जिसमें हमारा 500 से 600 लोगों ने सहयोग दिया। इस रैली पे हमने महिलाओं के सम्मान, शिक्षित और उनके सशक्तिकरण होने पे बात की। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कांत है और मैं IYRC NGO से हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में वही नजफगढ़ के प्रेमधाम आश्रम प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसको ह्यूमन केयर इंटरनेशनल ट्रस्ट की ओर से किया गया था। तो इस मौके पर देश के कई राज्य से आई महिलाओं ने अपने क्षेत्र में महिलाओं को सक्षम सजग बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर प्रोग्राम के में मुख्य अतिथि के रूप में निर्भया की मां आशा कुमारी भी पहुंची। आशा कुमारी ने महिलाओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हमें ऐसा कदम उठाना है जिससे महिलाओं पर अत्याचार करने वाले न बच पाए। वहीं इस मौके पर ह्यूमन केयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के बच्चों ने एक प्रोग्राम पेश किया, जिसमें आश्रम के बच्चों ने देश की एकता को दर्शाया। इसके अलावा सुखमंच ग्रुप ने एक भव्य नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया, जिसके तहत ये संदेश देने की कोशिश की गई कि महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है और किसी भी महिला पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी न लगाकर उसका जमकर कैसे सामना करें, ये भी सीखना जरूरी है। जो भी आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमें देवियां माना गया, हमें समान मान सम्मान मिला, तो मैं चाहती हूँ कि ये मान सम्मान हमेशा मिले, हर रोज मिले, हर पल मिले, क्योंकि जब निर्भया के साथ घटना हुई, इस तरह का आंदोलन हुआ, उसमें कोई नेता नहीं था, कोई कुछ नहीं था, एक आम लोग बच्चे रोड पे आ गए,
लेकिन कहीं ना कहीं आज भी सभी चीज़ें फीके इसलिए हैं कि आज भी हम कहीं ना कहीं अपने आप को 2012 में ही खड़े पाते हैं, खासकर कि जब हमारी बच्चियों के साथ ऐसा होता है, वो इस दुनिया से चली जाती हैं। अभी एक लाइव वीडियो में देख रही हूँ, बच्ची है आसिफा या कुछ नाम है, वो कैसे हंसते हुए अपने आप को ख़त्म कर रही है, अपने आप को मौत के मुंह में ले जा रही है। वहीं शांति देवी एजुकेशन एंड चैरिटेबल सोसाइटी ने महिला दिवस के अवसर पर मेहरौली में निगम पार्षद आरती सिंह मर्दानगी का कार्यक्रम रखा है, जिसमें गणमान्य महिलाओं ने हिस्सा लिया और महिला दिवस की सभी को बधाइयां भी दी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की थीम अलग अलग राज्यों के रीति रिवाज के ऊपर रखी गई थी, जिसमें महिलाओं ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं साउथ दिल्ली के लोधी कॉलोनी में बीजेपी ने विशाल निशुल्क नेत्र प्रशिक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन शिविर का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद मीनाक्षी लेखी पहुंची। सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये कार्यक्रम पुराना है, हर रविवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से कहीं ना कहीं कैंप लगाया जाता है और कोरोना काल का ये तीसरा कैंप है जहाँ पर लोग आकर अपनी आंखों की जाँच करवा रहे हैं। हमारा ये पुराना कार्यक्रम है जो कि हर रविवार को पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम लोग हेल्थ कैंप लगाते हैं। अब कोविड के बाद से ये सिलसिला दोबारा शुरू किया है और इस बार जो है ये नया जो राउंड शुरू हुआ है उसमें ये हमारा तीसरा कैंप है और एक हफ्ता हम लोग उस कैंप की तैयारी करते हैं और फिर रविवार को कैंप लगाते हैं। मैं भाई रमेश और राजेंद्र और हरिओम और शशि और भाई साहब जिन्होंने हमें दुकान दी, सबका आभार व्यक्त करती हूँ और बाकी की जो मेरी पूरी टीम है वो लगातार इस पर लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए क्षेत्र में काम कर रही है। मैं सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। वहीं दिल्ली में पानी के टैंकर माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट टैंकरों पर दिल्ली जल बोर्ड लिखकर यह अवैध धंधा लगातार सड़कों पर जारी है। इस मामले में जब दिल्ली के DDA कमिश्नर से सवाल किया गया तो उन्होंने जाँच करने की बात कही। दरअसल वजीराबाद और जगतपुर गांव में जगह जगह पर जमीन में बड़े बड़े बोर किए गए हैं और वहां पर बड़े बड़े टैंकर्स लगाए जाते हैं और टैंकर उस जमीन के पानी से भरे जाते हैं। इन टैंकरों के ऊपर दिल्ली जल बोर्ड लिखा होता है। अगर ये दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर हैं तो और भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या सरकारी तंत्र ही इस तरह से अवैध काम करवाता है? और अगर प्राइवेट टैंकरों पर दिल्ली जल बोर्ड लिखकर इस तरह का गिरोह चलाया जा रहा था तो भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्यों सरकारी तंत्र ने इसे नहीं रोका? तो सरकारी तंत्र को इनसे क्या फायदा मिलता है? बिल्कुल, मैंने देखा है आम आदमी पार्टी के प्रचार कर रहे हैं, नीचे जो है कोई टोपी लगा के भी जो है उसमें है और वो जो है उसमें शामिल है टैंकर और वो पानी दोहन में, तो इस पे थोड़ी सी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम दिलीप पांडे जी को भी कह रहे हैं और दिल्ली सरकार को भी कह रहे हैं कि आप किसी जो है यदि भ्रष्टाचार का मामला है और उसमें आपकी कहीं मिली भगत है तो उसको हम उजागर करेंगे, लेकिन आपको भी यदि आप ईमानदार हैं, ईमानदारी की टोपी ओढ़ते हैं और यदि आम आदमी की रक्षक बनते हैं तो जल दोहन का और भू माफिया के खिलाफ जो ये टैंकर माफिया है और जो जल माफिया है जो जल का व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दिल्ली क्राइम ब्रांच और नारकोटिक्स की टीम ने दो अलग अलग ड्रग्स सप्लायर्स को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान सोनू हकला और दिनेश टंडा के रूप में की गई है। इनके कब्जे से 570 ग्राम हेरोइन और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। आरोपी सोनू हकला जेजे कॉलोनी शिवविहार उत्तम नगर का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा आरोपी दिनेश टंडा मजनू के टीले का रहने वाला बताया जा रहा है। इन आरोपियों पर पहले भी कई थानों में इस तरह के मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में सक्रिय मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखते हुए नारकोटिक्स सेल क्राइम ब्रांच की टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने शिवविहार के पास जाल बिछाकर एक सोनू हकले को पकड़ लिया और उसके कब्जे से 270 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी सोनू शुक्ला ने खुलासा किया कि वो पिछले कई सालों से जेजे कॉलोनी उत्तम नगर में रह रहा था। अपनी आजीविका कमाने के लिए अवैध शराब बेचना उसने शुरू कर दिया और उसके खिलाफ चोरी का मामले भी दर्ज। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss any update.